हेलो गाइस, YouTube ने एक कमाल का फीचर लॉन्च किया है जिससे अब आपकी वीडियो फ्री में प्रमोट होगी। अब आपको ये जानने की ज़रूरत है कि YouTube ने ऐसा कौन सा फीचर लॉन्च किया है जिससे हमारी वीडियो फ्री में प्रमोट होगी, तो आइए जानते हैं। जैसे कि आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हो, इसमें ग्रीन कलर में आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। अब आप ये बोलोगे कि ये ऑप्शन तो पहले से ही है, इसमें ऐसा कौन सी खास बात है? तो इसके अंदर में YouTube ने दो नए फीचर लॉन्च किए। पहला है कट और दूसरा है ग्रीन स्किन। अब आप ये बोलोगे ये ऑप्शन से हमारी वीडियो फ्री में कैसे प्रमोट होगी? देखिए गाइस, मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। ये जो पहला ऑप्शन है ना कट, अगर आप इसका यूज़ करते हो तो आप किसी भी वीडियो के 15 सेकंड तक का पार्ट को कट करके सेव कर सकते हो। और दूसरा है ग्रीन स्किन, अगर आप ये दूसरे ऑप्शन का यूज़ करते हो तो आपको किसी भी वीडियो के पार्ट को कट करके ग्रीन बैकग्राउंड के रूप में सेव कर सकते हो। जैसे आपको इस स्क्रीन शॉट में दिखाई दे रहा होगा वो लड़की जो ग्रीन कलर के बैकग्राउंड के रूप में है। अब आप ये बोलोगे कि ये वीडियो क्लिप को सेव करने से हमारी वीडियो कैसे फ्री में प्रमोट होगी? इसके लिए आप ये स्क्रीन शॉट देख सकते हो, इसमें आपको रेड कलर के बॉक्स में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसमें लिखा हुआ है फीलिंग इंस्पिरेड और उसके नीचे लिखा हुआ है कट फॉर मैडियो लुक। अब आप ये सोच रहे होगे क्या बात है, इससे हमारी वीडियो कैसे फ्री में प्रमोट होगी? आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो कट फॉर मेड योर लुक लिखा हुआ है ना, और पीछे जो लड़की की वीडियो चल रही हुई है वो उसकी ओरिजिनल क्लिप है गाइस। तो यही YouTube का नया फीचर है जिससे आपकी वीडियो फ्री में प्रमोट होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें कैसे होंगी। अगर आप कट ऑप्शन का यूज़ करके किसी भी वीडियो क्लिप का 15 सेकंड का पार्ट अगर कट करते हो और उसको अपनी वीडियो में यूज़ करते हो, तो जैसे ही वो क्लिप प्ले होगी वहाँ पर रेड बॉक्स में ऑटोमेटिकली उस चैनल की लिंक शो होगी। अब आपको इससे क्या फ़ायदा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। मान लो अगर कोई क्रिएटर आपकी वीडियो क्लिप को अपनी वीडियो में यूज़ करता है, तो जैसे ही उसके वीडियो में आपकी क्लिप प्ले होगी वहाँ पे आपके चैनल का नाम इस रेड बॉक्स के रूप में शो होगा। तो इससे आपकी वीडियो फ्री में तो प्रमोट हो ही रही है, और साथ में अगर उस लिंक पे ऑडियंस क्लिक करके आपकी ओरिजिनल वीडियो देखने जाती है तो इससे आपको व्यू भी मिलेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको YouTube का ये नया फीचर कैसा लगा। ये YouTube की तरफ से बहुत अच्छी चीज़ें की गई है गाइस। नहीं तो अभी तक अपने को वीडियो को प्रमोट करने के लिए बहुत पैसे खर्च करने पड़ते थे। Google Ad में वीडियो को लगाओ, उसका प्रमोशन करो, इसमें बहुत पैसे वेस्ट होते हैं और उतना इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता है। अगर कोई क्रिएटर आपकी वीडियो क्लिप का यूज़ करता है तो ऐसे आपकी वीडियो प्रमोट होगी, और अगर कोई व्यूअर ओरिजिनल लिंक पर जाके क्लिक करके वीडियो देखता है तो आपके व्यू भी बढ़ेंगे। तो ये आपका दोनों तरीके से फ़ायदा ही हो रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात गाइस, ये अभी iOS में लॉन्च किया गया है, मतलब डेस्कटॉप या लैपटॉप में ये फंक्शन लॉन्च किया गया है। बहुत जल्द एंड्रॉयड में भी लॉन्च कर दिया जाएगा। थैंक यू गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।